नगर के मोहल्ला हिंदूपुरा खेड़ा में हाकिम अपना पार्टी भाईचारा सम्मेलन में राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद हमजा ने बताया कि ये पार्टी आपसी भाईचारा कायम कराने का काम करेगी, साथ ही लोकसभा चुनाव में अपने प्रत्याशी खड़ा करेगी। सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि अंबेडकर समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई तेज सिंह रहेंगे। अध्यक्ष मौलाना जौहर अली विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर मोहम्मद लुकमान खान ने की, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में बरेली रुहेलखंड विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर मुसाहिद हुसैन, एमयू अलीगढ़ से डॉक्टर मोहम्मद साहिद हुसैन व एम इस्लाम उर्फ रहपत शामिल व शिक्षाविद नदी मर्तीन शामिल रहे। इस दौरान पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। देश में गरीबों को उनका हक दिलाने का, हर इंसान का साथ देना और हमारा भी पार्टी का मकसद है। कि अगर भाईचारा हमने कायम किया होता तो इस मुल्क में कम से कम 25% मुसलमान हैं, जो हमारे शुमार होती है मुसलमान भाइयों की, दत्तों की, दत्तों की शुमार होती है एक घर छोड़ के और मुसलमान की शुमार करते हैं दो घर छोड़ के, और इलेक्शन में आप देखेंगे तो मोहल्ले के मोहल्ले हमारे मुसलमान भाइयों के गायब होते हैं। वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, 72 साल होते हैं। उन अफसरों को जवाबदेह नहीं बनाया गया, रेस्पॉन्सिबल अफसर नहीं बनाया गया, तो ये सारी उनकी चाल है। ये सब जिसे आप कई बार आरएसएस से जोड़ देते हैं, ये उनकी चाल है, और उनकी चाल को करने के लिए हमें इस मुल्क में अपने पराये की पहचान करनी पड़ेगी, दोस्तों दुश्मन की पहचान। आज का भाईचारा सम्मेलन, पूरे देश में भाईचारा फैलाना हमारा मकसद है, इसीलिए हमने हाकिम अपना पार्टी की बुनियाद रखी है। आज़ादी से लेकर आज तक जितने भी राजनीतिक दलों ने हिंदुस्तान में सरकारें बनाई हैं, सब ने जाति धर्म ऊंच नीच भेदभाव के ऊपर सियासत की है। हम बिल्कुल नया अपना एक प्रोग्राम लेकर आए हैं। हमने वक्त की ज़रूरत महसूस की कि ऐसे प्लेटफार्म की ज़रूरत है जिससे प्रत्येक भारतीय नागरिक को बराबर न्याय मिले, क्योंकि आज तक जनता के साथ धोखा होता चला आया है। जितनी भी सरकारें बनी, सबने मीठे और लुभावने वादे किए, लेकिन किसी ने जनता को कुछ नहीं दिया। जैसे हमारे मोदी जी ने 15 लाख का वादा किया था, गरीब जनता ने अपनी मेहनत की कमाई से, क्योंकि वो अनपढ़ लोग हैं, 150 रुपये खर्च कर दिए खाता खुलवाने में, लेकिन उनको 1 रुपया नहीं मिला। ये बहुत ही शर्म की बात है। महंगाई से पूरा देश त्रस्त है, घरेलू गैस के दाम बढ़े जबकि उन्होंने सस्ते के वादे किए थे, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े जबकि उन्होंने सस्ते के वादे किए थे। जो आने वाला 2019 का चुनाव है, उसमें क्या प्रत्याशी आप सजे उतारेंगे, क्या करेंगे? आज की तारीख में मैं पूरे भारतवर्ष में आने वाले 2019 को लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी खड़ा करने के लिए वचनबद्ध हूँ। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रत्याशी खड़े करूँ, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि अभी पूरे देश में मैं प्रत्याशी खड़े कर दूंगा, लेकिन जहाँ तक मैं उससे कोशिश हो सकती है मैं लोकसभा प्रत्याशी खड़े करूंगा। मुख्य उद्देश्य क्या? जनता की सेवा करना।